इस तरह से हॉरिजॉन्टल मेरिडियंस पे पॉइंट्स की लोकेशंस देखे जाएंगे। इस एनर्जी फ्लो को कैसे यहाँ पे फाइंड आउट किया जाता है, क्यों फाइंड आउट किया जाता है, क्योंकि ये सबसे मेन है हमारा। हम शुरू से पढ़ रहे हैं, हमने सुजोक से स्टार्ट किया था, तो इंसेक्ट सुजोक ही क्यों लिया, इंसेक्ट ही क्यों लिया, एनिमल ही क्यों लिया। हमने अलग अलग मेरिडियंस देखी TCM की, तो वो 12 मेरिडियंस ही क्यों थी, क्यों 6 यिन थी, क्यों 6 यांग थी, उनके कंट्रोलर्स क्यों थे वहां पे। हमने जॉइंट मेरिडियन देखी, मेथी पट्टी कैसे एप्लीकेशन हुआ। हमने 10 एलिमेंट्स थ्योरी देखी, हमने 5 एलिमेंट थ्योरी देखी, हमने वर्टिकल मेरिडियंस देखे। अब वर्टिकल मेरिडियंस थी हमारे पास, जॉइंट मेरिडियंस थी हमारे पास, अब हॉरिजॉन्टल मेरिडियन की क्यों जरूरत है, या जॉइंट मेरिडियन को थोड़ा सा साइड में रख देते हैं, क्योंकि जॉइंट मेरिडियन भी इसी हॉरिजॉन्टल मेरिडियंस के साथ आएंगे। सो व्हाई वी नीड अ हॉरिजॉन्टल मेरिडियन, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि इसकी जरूरत क्या है, फिर उसके बाद देखेंगे कि इसको कैसे लोकेट किया जाता है। तो पहले वर्टिकल मेरिडियंस कैसी होती है हमारी, जीरो वर्टिकल मेरिडियन, शरीर के बीचों बीच से शुरू होते हुए शरीर के बीचों बीच जाके सर पे ऊपर फिर से शरीर के अंदर समा जाती है, मतलब वहां पे जाके बाहर से देखने पे वहां पे जाके खत्म हो जाती है। खत्म होती है क्या, नहीं, ये इसका सर्कुलेशन वहां से चालू रहता है, तो यहाँ से शुरू होती है वहां तक जाती है, ठीक है। नंबर 9 कहाँ है, ठीक बैक साइड में स्पाइन के ऊपर से होते हुए सर के ऊपर की तरफ, ये होगी वर्टिकल मेरिडियन सबके, ठीक है। राइट साइड में बढ़ते हुए उसके ठीक बगल से ऊपर की तरफ जाती हुई फर्स्ट वर्टिकल मेरिडियन, फिर उसके बगल से ऊपर की तरफ जाती हुई फोर्थ वर्टिकल मेरिडियन, और फिर बाहर की तरफ एकदम अपने देखी थी फिफ्थ वर्टिकल मेरिडियन, बराबर है। ठीक अपोजिट साइड में आपको मिलती है सेकंड वर्टिकल मेरिडियन, लेफ्ट साइड में जाते हुए थर्ड वर्टिकल मेरिडियन एंड सिक्स्थ वर्टिकल मेरिडियन, ठीक है। अब यहाँ पे वर्टिकल मेरिडियंस क्या करती हैं, या इनको यूज कैसे किया जाता है, या हॉरिजॉन्टल मेरिडियंस को कैसे यूज किया जाता है, ठीक जिस तरह से हमने वर्टिकल मेरिडियंस का देखा था, ठीक उसी तरह से यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मेरिडियंस का भी होता है। वर्टिकल मेरिडियंस का देखते समय हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे, तो उसमें हमने देखा था कि समझिए अगर आपको ट्रीटमेंट लगानी है, लेफ्ट लंग्स में कोई इशू हो जाता है तो उसमें, या लीवर के लेफ्ट साइड सॉरी राइट लंग्स में कोई इशू है लीवर के राइट साइड में, या गॉल ब्लैडर के पास, या गॉल ब्लैडर में कोई इशू हो जाता है, आपके इंटेस्टाइनल एरिया में असेंडिंग कोलन में कोई इशू है, आपके अपेंडिक्स में कोई इशू है, तो उस इसमें क्या करते हैं, हम सिलेक्ट करते हैं इन दो मेरिडियंस की, बराबर है। इन दो मेरिडियंस की सिलेक्शन किया जाता है। मेरिडियन नंबर कौन कौन सी है, ये है 3 और 2, बराबर है। ये कौन सा है, 3 और 2, ये दो मेरिडियंस हम सिलेक्ट करते हैं। बीचों बीच कौन सी, यहाँ पे बीचों बीच यहाँ पे है हमारे पास 0 वर्टिकल मेरिडियन, ठीक है। तो 0, 2, 3, और उससे इस तरफ कौन कौन से हैं, 1, 4, 5, ठीक है। यहाँ पे ऊपर की तरफ बच गया ये 6, तो 2 और 3 को हमने सिलेक्ट किया। 2 और 3 पे हमने पॉइंट्स डिसाइड किए और उस पर ट्रीटमेंट कर दी। अब वहां पे कैसे पता चला कहाँ कहाँ पे ये करेगा, क्योंकि जिस हिस्से में से, शरीर के जिस हिस्से में से ये जा रही है, उस हिस्से में आने वाले जो भी ऑर्गन्स हैं, उन ऑर्गन्स के जो भी पार्ट है, जो भी एरियाज है, उन एरियाज में अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वहां पे हम किसे ट्रीट करते हैं, जो वर्टिकल मेरिडियन वहां से जा रही है। ठीक उसी तरह से जो भी जहां से भी जा रही है उस हिसाब से, जैसे 0 वर्टिकल मेरिडियन है, ये कहां से जाती है, आपकी पेल्विक रीजन से स्टार्ट होते हुए ठीक ऊपर की तरफ जाती है, आपके नाभि से होते हुए आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के ठीक बीचों बीच असेंडिंग कॉलन ट्रांसपोर्ट कॉलन के बीच में से होते हुए पैनक्रियाज, स्टमक, लीवर का कुछ हिस्सा, सबसे मेनली हार्ट पर से होते हुए या आपकी विंड पाइप, इसोफेगस मतलब अम्ल नलिका, आपकी श्वास नलिका, विंड पाइप, वहां से होते हुए
मुंह के ठीक बीच से, नाक पर से होते हुए, कपाल के बीचों बीच होते हुए सिर पे जाके ये वहां पे खत्म हो जाता है 9 नंबर पॉइंट पे, राइट। तो इन सारी चीजों पे, इन सेंट्रल इसमें अगर कोई भी समस्या होगी तो किसका सिलेक्शन होगा? 0 नंबर का होगा। ठीक, इसी तरह अब जैसे हमने बैक साइड में किडनीज के लिए देखा था कि अगर आपकी राइट साइड की किडनी में कोई इशू है तो कौन सा हॉरिजॉन्टल मेरिडियन सिलेक्ट होती है? 8 हॉरिजॉन्टल मेरिडियन। लेफ्ट साइड के किडनी में कोई इशू होगा तो कौन सा होगा? 7th वर्टिकल मेरिडियन। तो जो मेरिडियन जिस एरिया में से जा रही है वहां पे जो जो ऑर्गन्स आ रहे हैं उन ऑर्गन्स को ट्रीट करने के लिए या किसी भी ऑर्गन में जहां समस्या है उस समस्या को देखा जाता है, वहां से कौन सा वर्टिकल मेरिडियन गुजर रही है उसे देखा जाता है और ट्रीट किया जाता है। अब जैसे लंग्स का ही बताया मैंने, लंग्स यहां से यहां तक है, अगर दोनों लंग्स में कोई भी इशू होता है तो मुझे कौन कौन सी वर्टिकल मेरिडियंस लेनी होगी? फर्स्ट आई हैव टू टेक फर्स्ट वर्टिकल मेरिडियन, फिर 4th वर्टिकल मेरिडियन, फिर 2nd वर्टिकल मेरिडियन, 3rd वर्टिकल मेरिडियन, बराबर है। तो ये 4 वर्टिकल मेरिडियंस लूंगा मैं, तब जाके मेरे लेफ्ट एंड राइट के दोनों ऑर्गन्स कवर्ड होंगे। लेकिन अगर मैं वहां पे 4 पॉइंट भी लगाता हूं तो देखिए क्या होगा, 4 मेरिडियंस हर एक के ईच के 4 पॉइंट्स, तो 4 चौक 16 16 पॉइंट्स हो गए, 4 4 16 होते हैं ना, 16 पॉइंट्स लगाने पड़ेंगे मुझे 4 वर्टिकल मेरिडियंस पे। वही काम यहाँ पे सिर्फ 4th हॉरिजॉन्टल मेरिडियन कर देती है। 4th हॉरिजॉन्टल मेरिडियन क्या है? हॉरिजॉन्टली ये बॉडी को कवर करती है, ये हॉरिजॉन्टली बॉडी को कवर करती है। तो यहाँ पे इसने पूरे लंग्स को कवर कर लिया है, इवन हार्ट को भी, बराबर है। तो यहाँ पे 4 मेरिडियंस की जगह में सिर्फ 1 4th हॉरिजॉन्टल मेरिडियन लेके मैं दोनों लंग्स की हार्ट की ट्रीटमेंट यहाँ पे कर सकता हूँ विद द सेम प्रोटोकॉल, सेम 4 पॉइंट्स के साथ। लेकिन यहाँ पे बेनिफिट क्या हुआ, 4 की जगह 1 मेरिडियन ने मेरा काम कर दिया, 16 की जगह 4 मैग्नेट्स मैंने यूज कर लिए, लगाना आसान हो गया। और जब आप एक स्टेप अहेड होके सोचते हैं, ट्रीटमेंट्स लगाते हैं, तो उसका इफेक्ट भी, उसके रिजल्ट्स भी उतने अच्छे और फास्ट मिलते हैं आपको, ठीक है। तो वर्टिकल मेरिडियंस यूज करने का रीजन अलग होता है, जहां पे हम देखते हैं शरीर में आई हुई तकलीफ है या पेशेंट जो भी आपको सिम्टम्स बता रहा है, जो भी अपने लक्षण बता रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स बता रहा है, वो अगर शरीर के एक हिस्से में है, एक वर्टिकल हिस्से में, एक खड़े हिस्से में, एक सीधी लाइन में दिख रहे हैं, तो वहां पे वर्टिकल मेरिडियंस, एक सिंपल सा लॉजिक है। और जहां पे आप हॉरिजॉन्टली देख रहे हैं, जैसे किसी को पेट में दर्द हो रहा है, चारों तरफ पेट में दर्द हो रहा है, तो अगर नीचे पेल्विक रीजन की तरफ है तो कौन सा होगा? 1st हॉरिजॉन्टल मेरिडियन। आपके जेनेटिकल ऑर्गन्स और हिप जॉइंट्स के आसपास है तो कौन सा होगा? 0 वर्टिकल मेरिडियन, पूरा आगे से पीछे की तरफ पेन हो रहा होगा, तो राइट। आफ्टर दैट अगर मेरे ऊपर मतलब नाभि के क्षेत्र में अगर पेन है आगे पीछे की तरफ से, पूरा बैक भी जाम हो गई है, पेट भी दर्द कर रहा है, तो उस इसमें क्या होगा? वी विल गो फॉर द 2nd हॉरिजॉन्टल मेरिडियन। 3rd हॉरिजॉन्टल मेरिडियन लीवर का और गॉल ब्लैडर का कुछ हिस्सा कवर करते हुए, स्टमक का कुछ हिस्सा कवर करते हुए, पैंक्रियास का कुछ हिस्सा कवर करते हुए, पीछे से वापिस बैक साइड से घूमते हुए, देखिए 3 नंबर यहाँ पे आगे इतना सब कुछ कवर करती है, और बैक साइड में क्या कवर करती है? दोनों किडनीज को कवर कर रही है, ठीक है। अब ऐसे ही सारे हॉरिजॉन्टल से स्कैपुला की ट्रीटमेंट करनी है, हॉरिजॉन्टल नंबर 5, दोनों स्कैपुला कवर्ड हो रहे हैं, दोनों स्कैपुला कवर्ड हो रहे हैं उसमें, ठीक है। लंग्स और इसके लिए जैसे फोर्स देखा हमने, तो ये कहाँ पे आ रहा है? आपके थोरैसिक से जा रहा है ठीक बैक साइड में। बोथ शोल्डर्स में पेन है, हॉरिजॉन्टल नंबर 5, स्कैपुला में पेन है, शोल्डर के बैक साइड में पेन है, हॉरिजॉन्टल नंबर 5। नेक में थायराइड से रिलेटेड कोई इशू है, थ्रोट से रिलेटेड कोई इशू है, कौन सा होगा? नंबर 6। मुंह का कोई समस्या है, या मुंह के ठीक पीछे की तरफ जहां पे आपका स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, उस एरिया में कहीं कोई समस्या है, मेड्यूला वगैरह के, सेरेबेलम मेड्यूला जिसे कहते हैं हम, पॉन्स कहते हैं, तो उस एरिया में कोई समस्या है, हॉरिजॉन्टल नंबर 7।
ब्रेन के दो ट्रीटमेंट्स के लिए आ गया 8 और 9, आंखों के और सर के ऊपर के हिस्से के लिए आ गया 8 और 9 नंबर आ गया। ठीक है, कौन से एरिया में से जा रहा है उसके एरियाज को ध्यान में रखना जरूरी है और वहां पर कहां पे किस चीज के ट्रीटमेंट करनी है ये ध्यान में रखना जरूरी है। तो ये तो हो गया क्यों हॉरिजॉन्टल और कैसे हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब इसी में पॉइंट्स के लोकेशंस और सिलेक्शंस कैसे होते हैं उसको भी समझ लेंगे। देखिए सेम वही तरीका है, कुछ अलग नहीं है, सिर्फ अब यहाँ पे क्या है आपकी हॉरिजॉन्टल जो है, जो पहले आपने एप्लीकेशन पॉइंट्स लिए थे, तत्वों के पॉइंट लिए थे 0 से 9 नंबर तक, अब ये हो गए हैं आपके हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स या हॉरिजॉन्टल मेरिडियंस, सॉरी नॉट पॉइंट्स, हॉरिजॉन्टल मेरिडियंस हो गए हैं। और जैसे वर्टिकल मेरिडियन में हर एक मेरिडियन में 10 तत्वों के अपने अपने पॉइंट्स होते हैं एप्लीकेशन के लिए, ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल मेरिडियन में अपने अपने 10 पॉइंट्स हैं एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे भी 10 पॉइंट्स है एप्लीकेशन के लिए। लोकेशंस सेम रहेंगे, नंबर्स ऑल्सो गोना बी सेम, नो चेंजेस आर देयर, नॉट अ सिंगल चेंज इन देयर। ठीक है, ठीक यहाँ पे भी अब जीरो हॉरिजॉन्टल मेरिडियन पे पॉइंट्स की लोकेशन कैसे देखें, जीरो हॉरिजॉन्टल मेरिडियन का 0 कहाँ आएगा, बराबर बीचों बीच आएगा। 1 कहाँ पे आएगा, टूवर्ड्स थंब। 4 कहाँ पे आएगा, 1 के बगल में टूवर्ड्स थंब। 2 कहाँ पे आएगा, 0 के बगल में अवे फ्रॉम थंब। 3 कहाँ पे आएगा, 2 के बगल में अवे फ्रॉम थंब। तो ये लोकेशंस भी वैसे रहेंगे, ये लोकेशंस भी वैसे रहेंगे, वर्टिकल नंबर्स के भी लोकेशंस वैसे रहेंगे। सिर्फ चेंज अब क्या होने वाला है यहाँ पे, ये है आपके पॉइंट के नंबर्स। ठीक है, आपके पॉइंट्स है, एक्यू पॉइंट्स है, ट्रीटमेंट पॉइंट्स है, और मेरिडियंस कहाँ पे है आपकी, ये है आपकी हॉरिजॉन्टल मेरिडियंस सारी की सारी। ठीक है, ठीक यही रूल लागू होता है थंब पे भी यहाँ पे, ये आपके हॉरिजॉन्टल मेरिडियंस है। और जैसे इसके पहले हमने थंब पे लोकेशंस किए थे टुवर्ड्स फिंगर और अवे फ्रॉम फिंगर, ये हमेशा याद रखना है। टुवर्ड्स थंब कौन से पॉइंट्स होते हैं, 0 से, जब आप फिंगर्स पे, आप किसी भी फिंगर्स पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं, किसी भी फिंगर पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं, 8 फिंगर्स हैं हाथ की, 8 टो फिंगर्स हैं पैरों की, तो जब उन पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो 0 से, 0 मतलब कौन सी, बीचों बीच आने वाली वर्टिकल मेरिडियन, 0 से टुवर्ड्स थंब के पॉइंट्स होते हैं, 0 से अवे फ्रॉम थंब्स के पॉइंट होते हैं। और ठीक इसी तरह से हॉरिजॉन्टल में यहाँ पे भी देखने को मिलता है हमें, तो 0 हॉरिजॉन्टल मेरिडियन, 1st हॉरिजॉन्टल मेरिडियन, 3rd हॉरिजॉन्टल मेरिडियन, सारी वैसे ही हैं, पॉइंट्स के लोकेशन भी वैसे ही हैं, 9 से टुवर्ड्स थंब 5-8 आएंगे, अवे फ्रॉम थंब 6-7 आएंगे। वही हम थंब पे जाएंगे तो थंब पर से टुवर्ड्स फिंगर देखे जाएंगे, टुवर्ड्स फिंगर, फिंगर की तरफ, तो 9 से फिंगर की तरफ कौन से हैं आपके, 5 और 8, 5-8 टुवर्ड्स फिंगर, 5-8 टुवर्ड्स थंब, और 6-7 अवे फ्रॉम फिंगर, 6-7 अवे फ्रॉम थंब। ठीक है, बोलना है वैसे, बोलेंगे एप्लीकेशन करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये चीजें अच्छे से याद हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा और जूम करते हैं और जूम करते हुए इसको अंडरस्टैंड करते हैं किस तरह से यहाँ पे पॉइंट के लोकेशंस देखे जाते हैं। ठीक है, देखिए सारे पॉइंट्स और उनके जो भी लोकेशंस है सारी फिंगर्स पे सेम रहेंगे। ये यांग साइड के हैं, ये यिन पोर्शन, यांग पोर्शन दोनों है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे और एक बात जो याद रखने के लिए इम्पोर्टेंट है, जीरो हॉरिजॉन्टल मतलब कौन सा होता है आपका, यही इसको सेम दूसरा नाम क्या कह सकते हैं, हम कहते हैं इसे के जॉइंट, ये कफ जॉइंट हो गया।
थर्ड हॉरिजॉन्टल मतलब कौन सा हो गया आपका, पे शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलो थोड़ा सा इसको जूम इन करते हैं, मैं दिखाऊंगा कफ जॉइंट पे किस तरह से पहले हम जीरो हॉरिजॉन्टल मेरिडियन पे कैसे करते हैं। तो जीरो हॉरिजॉन्टल मेरिडियन, किसी भी फिंगर की जीरो हॉरिजॉन्टल मेरिडियन कहाँ होती है, उसका सबसे नीचे वाला जॉइंट जो होता है ये होती है आपकी जीरो हॉरिजॉन्टल मेरिडियन, ठीक। इसी तरह से यहां से ये पीछे की तरफ से होते हुए हाथ के दूसरे तरफ जाके जॉइंट हो जाती है, ठीक है। इसे यहां से ऊपर लेंगे, ये आ गई आपकी जीरो हॉरिजॉन्टल मेरिडियन, ठीक है। सामने की तरफ यहां से ये चली गई सीधे पीछे की तरफ, ये कौन सी है हमारी जीरो हॉरिजॉन्टल मेरिडियन है, ये जीरो हॉरिजॉन्टल मेरिडियन है। थर्ड हॉरिजॉन्टल मेरिडियन कहाँ पे आती है हमारी, इस बीच वाले जोड़ पे आती है हमारी थर्ड हॉरिजॉन्टल मेरिडियन या पित्त जॉइंट। जीरो हॉरिजॉन्टल मेरिडियन या कफ जॉइंट, थर्ड हॉरिजॉन्टल मेरिडियन या पित्त जॉइंट, सिक्स हॉरिजॉन्टल मेरिडियन या वात जॉइंट। पीछे की तरफ भी ड्रॉ करना है क्योंकि मेरिडियन है ना, यहां से शुरू होगी कोई भी मेरिडियन होगी जब वो एक जगह से शुरू होती है, तो जीरो हॉरिजॉन्टल मेरिडियन और कफ जॉइंट, थर्ड हॉरिजॉन्टल मेरिडियन और पित्त जॉइंट, सिक्स हॉरिजॉन्टल मेरिडियन और वात जॉइंट, ठीक है। अब जॉइंट कैसे होती है, यहां से शुरुआत होता है, मेरिडियन कहां से स्टार्ट होती है, वर्टिकल मेरिडियन हमने देखी यहां से शुरू होती थी, यहां से सीधा ऊपर होते हुए यहां तक, बराबर है ना। ये पूरा हिस्सा जो होता था ये वर्टिकल मेरिडियन होता था, यहां से शुरू होती थी, नाइन पे जाके खत्म होती थी, यहाँ पे वर्टिकल मेरिडियंस। हॉरिजॉन्टल मेरिडियन कहां से शुरू होती है, जहां जीरो होता है, तो सामने की तरफ बीचों बीच यहाँ पे होता है शून्य, जीरो, तो जीरो हॉरिजॉन्टल मेरिडियन का जीरो, तो जीरो से स्टार्ट होती है, 1 4 5 करते हुए यहां से घूम के वापिस आके यहाँ खत्म होगी जीरो, यहां से स्टार्ट होगी जीरो, कहाँ होगा यहाँ जीरो होगा शून्य, इसका जीरो कहाँ होगा यहाँ होगा शून्य जीरो, बगल में कौन सा होगा वन 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 टूवर्ड्स थंब होगा, अवे फ्रॉम थंब कौन सा होगा टू टू टू, टू के बगल में कौन सा आएगा यहाँ पे थ्री थ्री थ्री, यहाँ पे कौन सा आएगा फोर फोर फोर, ये कौन सा हो गया जीरो थ्री सिक्स हॉरिजॉन्टल्स हो गया, कोई भी हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है। हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल और एक ले लेते हैं, यहाँ पे हम लेते हैं सेकंड हॉरिजॉन्टल मेरिडियन, सेकंड हॉरिजॉन्टल मेरिडियन कहाँ पे आएगी, थर्ड हॉरिजॉन्टल मेरिडियन के नीचे यहाँ आएगी सेकंड हॉरिजॉन्टल मेरिडियन, इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं आगे से पीछे की तरफ, देखिए ये जाके यहाँ पे कनेक्ट हो गए, ठीक है। थर्ड हॉरिजॉन्टल मेरिडियन जॉइंट्स पर से
यहाँ पे कनेक्ट हो गए, ठीक है, सिक्स हॉरिजॉन्टल, आ गया आपकी सिक्स हॉरिजॉन्टल, ठीक है, जीरो आगे है सबका, जीरो 1 4 2 3, जीरो 1 4 5 एट, और बीचों बीच यहां पे होगा 9, सबका वही होगा, जीरो हॉरिजॉन्टल का 9 यहां, सेकंड हॉरिजॉन्टल का 9 यहां, थर्ड हॉरिजॉन्टल का 9 यहां, सिक्स हॉरिजॉन्टल का 9 यहां पे होगा, जहां पे ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, बराबर है, तो ये इसका 9 हो गया, ये इसका 9, इसका 9, ये इसका 9, 8 8 8 8, आठवां हॉरिजॉन्टल, आठवां हॉरिजॉन्टल, 8 हॉरिजॉन्टल, ठीक है, 5 देखा हमने, ठीक, इसी से ऊपर जाते हुए 5 5 5, फिफ्थ हॉरिजॉन्टल, तो ईच हॉरिजॉन्टल, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल मेरिडियंस के ट्रीटमेंट पॉइंट्स देख रहे हैं, ये क्या है, एक्यूट पॉइंट्स हैं, जीरो हॉरिजॉन्टल का 8 नंबर का एक्यूट पॉइंट, सेकंड हॉरिजॉन्टल का 5 नंबर का एक्यूट पॉइंट, थर्ड हॉरिजॉन्टल का 9th नंबर का एक्यूट पॉइंट, सिक्स हॉरिजॉन्टल का 6 नंबर का एक्यूट पॉइंट यहां आएगा, 7 नंबर का एक्यूट पॉइंट यहां आएगा, बराबर है, ठीक, इसी तरह से हर एक फिंगर्स पे होंगे। नाउ हमारा प्रोटोकॉल क्या है, चलिए एक बार फिर से देखते हैं यहां पे, व्हाट इज अवर प्रोटोकॉल, क्या है प्रोटोकॉल यहां पे हमारा, पाइल्स कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल प्लस पेल्विक डिस्टेंशन और अपेंडिक्स और अपेंडिसाइटिस, राइट स्मॉल फिंगर वाथ जॉइंट, 0 1 2 टोन, 6 8 9 सीडेट। अब इसको कैसे लगाएंगे ये भी देख लेते हैं, इसे लगाना कैसे, सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, क्या लगाएंगे हम, सबसे पहले हमें यहाँ पे ये देखना है कि प्रोटोकॉल क्या है, प्रोटोकॉल को पढ़ना आना चाहिए, एड्रेस समझना आना चाहिए, तो उसे अच्छे से यहाँ पे पहले हम अंडरस्टैंड कर लेंगे, उसको अच्छे से समझ लेंगे, ऑलरेडी है हमारा यूट्यूब पे डिटेल में, आप चाहे तो वहां पे भी जाके देख सकते हो, ठीक है, मतलब ये प्रोटोकॉल पे है, प्रोटोकॉल एप्लीकेशन कैसे करना है वो भी वहां पे दिखाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो हम इसमें भी देखेंगे, ठीक है, क्यों यही प्रोटोकॉल दोनों जगह देख रहे हैं, क्योंकि काफी इफेक्टिव है, बहुत सारे लोगों ने लगाया है और काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं उसके, सो वी आर गोइंग टू नीड 6 मैग्नेट्स, 3 टोन 3 सीडेड, ये क्या है, ये आपके ब्योल मैग्नेट्स हैं, कौन से वाले लिए हैं मैंने, ये आपके आयुर्वेदिक के ब्योल मैग्नेट्स हैं, तो आपको भी वही वाले लेने हैं, छोटे वाले लेने, क्योंकि स्मॉल फिंगर छोटी होती है और यहाँ पे छोटे छोटे मैग्नेट्स ही लगेंगे, मोस्टली आयुर्वेद में छोटे मैग्नेट्स यूज कीजिए, आपके जो पैकेट्स हैं उसमें सबसे छोटे वाले जो हैं, इसको BM1 भी कहते हैं, हम इसको पहले आयुर्वेदिक मैग्नेट्स कहते थे, अभी इसको BM1 भी कहा जाता है, सो यू कैन यूज BM1 और आयुर्वेदिक मैग्नेट्स जो सबसे छोटे वाले हैं आपके, ठीक है, इनको 3-3 मैग्नेट्स को क्या करना है, 0 टोन है, 1 टोन है, 2 टोन है, मतलब पास पास के 3 टोन और 7 8 9 सीडेड, तो पीछे की तरफ के 7 8 9
सिलेक्ट करने हैं हमें यहाँ पे, बराबर है। तो इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके लगा लेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, टेप लेनी है आपको। तो टेप का यहाँ पे दो हिस्से कर लेंगे, एक आगे लगाने के लिए एक पीछे लगाने के लिए, ठीक है। टेप करने के उस पर तीन मैग्नेट्स बैठ सके। तो मैं यहाँ पे पहले तीन मैग्नेट्स चिपका लूंगा टोन करके, और तीन मैग्नेट्स चिपकाऊंगा मैं सिलेक्ट करके, तो बीचों बीच जीरो, उसके बगल में वन, उसके बगल में टू, बराबर है। तो ये तो ये क्या हो गए, तीन मैग्नेट टोन हो गए। तो इनको कहाँ लगाना है, जीरो वन टू टोन लगाना है यहाँ पर, बराबर जॉइंट पे लगा लिया हमने, जीरो वन टू टोन। देखिए मेरे फिंगर्स इतने बड़े हैं, फिर भी मैंने पास पास में रखे हैं तो बराबर तीनों यहाँ पे बैठे हैं। अगर ये बड़े वाले मैग्नेट से लोगे आप तो बाहर चले जाएंगे, ठीक है। अब पीछे की साइड लगाने हैं हमें तीन सिलेट, यहाँ पे बीचों बीच लगेगा नाइन सेवन एट, आ गए तीनों एक दूसरे के बगल में, एक लाइन में तीन सिलेट आ गए, सेवन एट नाइन। ये कहाँ लगेगा, ठीक बैक साइड में जहाँ पे हमने ये मार्किंग्स करके रखी हुई है, ठीक उस पर लगाऊंगा मैं। लगाते समय हमेशा की तरह मैं फिंगर को थोड़ा फोल्ड रखूंगा अपने तरफ ताकि लोकेशंस मुझे बराबर दिखे। मैग्नेट्स देखिए आपको दिख रहे हैं, बीच वाला मैग्नेट बराबर बीच वाली जगह पे रखना है और इसको अब लगा देना है। आ गया सेवन सेवन एट नाइन सीडेट, वन टू जीरो टोन। आसान है लगाना, ठीक। इसी तरह से इसकी नेक्स्ट वाली जो प्रोटोकॉल है वो कौन सी है आपकी,